गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, आपको लेक्चर नंबर 12 में होमवर्क मिला था। एक्चुअली लेक्चर नंबर 13 में हम उसको डिस्कस करना भूल गए थे, तो आइए इस लेक्चर में पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी कि किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई है, लिथियम क्लोराइड की। आपको बताया गया था कि जब भी फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स आपको मिल जाए, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे हमें कभी भी उस मेटल का डिकम्पोजिशन देखने को नहीं मिलता, यानी कि उस केस में हमेशा हमें क्या फॉर्मेशन मिलता है, देयर वी गेट हाइड्रोजन गैस। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं डिस्कस किया था, क्योंकि लिथियम की जो SRP की वैल्यू होगी वो हाइड्रोजन गैस की SRP की वैल्यू से लेस पॉजिटिव होती है, यानी कि वाटर की SRP वैल्यू लिथियम के SRP वैल्यू से ज़्यादा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ, किसकी रिड्यूसिंग होने की कैपेसिटी, रिडक्शन होने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वाटर की, और वाटर की रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। बात क्लियर है, यानी कि यहाँ पर आपको लिथियम ना मिलके क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब बात होती है क्लोरीन की, क्लोरीन और वाटर दोनों की अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करें, यानी कि SOP की बात करें, तो किसकी SOP की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है, क्लोरीन की, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस। एक बात क्लियर है, यानी कि मुझे मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या मिलना है, हाइड्रोजन गैस और क्या मिलना है, क्लोरीन गैस। चलिए आइए, अब मुझे मेरे एनोड पर ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, जबकि वहीं अगर हम कैथोड की बात करें तो रिडक्शन होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव गॉट। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सही है, हमें एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी, लिथियम मिलेगा कैथोड पे, ये ऑप्शन सही है कि गलत है, गलत है, क्योंकि मुझे कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब हमें बात करनी है pH ऑफ कैथोड, एक में pH ऑफ कैथोड डिक्रीजिंग दिया गया है, एक में pH ऑफ कैथोड इंक्रीजिंग दिया गया है, यानी कि अब हमें किसके साथ डील करना होगा, pH के साथ, वो भी किसका, कैथोड का। मान लेते हैं ये मेरा कैथोड है, ओके, देखिए इसमें सॉल्यूशन फील होगा, एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का होगा ना। अब हमें ये बताइए, इसमें कुछ ना कुछ H+ आयन रहे होंगे, क्योंकि जब वाटर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इसमें H+ भी होगा और OH- भी होगा। स्टार्टिंग में जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराने के स्टार्ट किए, उस टाइम पे मान लेते हैं मेरे पास 10 H+ आयन थे और 10 ही हाइड्रोक्साइड आयन थे, एजम्पशन है, आप 10, 50, 20 कुछ भी मान लीजिए। जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कराई तो आपने क्या देखा कि ये जो कैथोड है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, आपने ये चीज़ देखा कि यहाँ पे क्या हो रही थी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस किससे बना होगा, ये जो H+ आयन है यहीं से हमें हाइड्रोजन गैस मिला होगा। अब हमें ये बताइए, स्टार्टिंग में H+ आयन का नंबर और इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ देर के बाद H+ के आयन का नंबर सेम रहेगा या डिफरेंट? हाँ, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जितना यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई होगी वो सब H+ आयन से बनी होगी, यानी कि H+ आयन हाइड्रोजन गैस बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन के एटमोसफेयर में मिक्स हो जा रहा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये जो कैथोड है यहाँ पे जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो लगातार क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, घट रही होगी, घट रही होगी, यानी कि H+ कंसंट्रेशन लगातार कैथोड की क्या हो रही है, घट रही है। और एक चीज़ हमें अच्छे से पता है, pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ कंसंट्रेशन,
यानी कि अगर H प्लस कंसंट्रेशन घट रहा है तो बताइए pH क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, यानी कि कैथोड की pH बढ़ रही होगी। आइए देखते हैं, pH ऑफ कैथोड डिक्रीजेस, गलत है, pH ऑफ कैथोड इंक्रीजेस सही है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड लास्ट, ए और डी सही है, बाकी दो गलत हैं। समझ में आ गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड एनोड, यानी कि आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, किसका किससे इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे आपको कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगा। अगर हम KCl की बात करें तो बताइए पोटेशियम खुद क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, सही है, पहला सपोर्ट कर रहा है। अब बताइए क्लोरीन और वाटर में किसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा होती है, हाँ क्लोरीन के SRP की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी, यानी कि सॉरी क्लोरीन की SOP की वैल्यू, यहाँ पे तो हो गया था ना, हाँ अब एनोड पे बात करें, क्लोरीन की SOP की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, हाँ इसका मतलब साफ है कि क्लोरीन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें क्या देगा, क्लोरीन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस तो मिला लेकिन क्लोरीन गैस नहीं मिल रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। आइए इसको डिस्कस करते हैं, पोटेशियम सल्फेट को, फिर से पोटेशियम है तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हाँ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वाटर की SRP पोटेशियम के SRP की वैल्यू से ज़्यादा पॉजिटिव होती है, यानी वाटर खुद रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। सल्फेट आयन, यहाँ आपको क्या मिलेगा, सल्फेट आयन, आपको पता ही है सल्फेट आयन की SOP की वैल्यू वाटर की SOP की वैल्यू से क्या होती है, हमेशा लेस पॉजिटिव होती है, यानी कि इन केसेस में वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। देखिए H2 और O2 मिला क्या आपको, सही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। इसको चेक करिए, यहाँ आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस क्योंकि ये भी फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, क्लोरीन और वाटर में आप चेक करेंगे तो किसकी SOP की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है, क्लोरीन की, यानी यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस। ये तो मिल रहा लेकिन आपको ये नहीं मिल रहा, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। आइए इसको डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो हमें हाइड्रोजन ही मिलना है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आपको पता है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की SOP और SRP दोनों ही वैल्यू क्या होती हैं, जीरो होती है, हम मान के चलते हैं, हमने मानना क्या है, SRP की वैल्यू इसकी जीरो होगी और वाटर के SRP की वैल्यू कुछ ना कुछ नेगेटिव में होती है, तो किसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी, H+ की, और ये H+ किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन में, यानी कि इस केस में चाहे H+ का रिडक्शन हो जाए या वाटर का रिडक्शन हो, दोनों ही केसों में हाइड्रोजन गैस ही मिलना है, यानी कि एक स्टेटमेंट तो सही है। अब तो ये सल्फेट, हाँ सल्फेट की SOP की वैल्यू लेस पॉजिटिव होगी, यानी कि ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा फिर, बहुत सिंपल, कौन हो जाएगा, वाटर, और उसके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस, यानी H2 और O2 फिर से मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। आइए आज हम डिस्कस करेंगे फैराडे सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द मासेस ऑफ डिफरेंट आयन लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। अब हम इलेक्ट्रोड क्यों लिखे हैं, क्योंकि उसमें कैथोड और एनोड दोनों ही हो सकते हैं, हाँ हो सकता है कैथोड पे डिपोजिशन हो रहा हो, एनोड पे लिबरेशन हो रहा हो, तो वो तो डिपेंड करेगा नेचर पे कि गैस बन रही है या सॉलिड। अगर सॉलिड होगा तो उसका डिपोजिशन होगा, वो एक जगह इकट्ठा हो रहा होगा, जबकि अगर गैस बन रही होगी तो वो लिबरेट कर रही होगी। जो फैराडे का सेकेंड लॉ है वो ये कहता है
कि उनके मास कैथोड या एनोड पे रिलीज होने वाली गैसेस या बनने वाली गैसेस हों या फिर कलेक्ट होने वाले मेटल्स हों, उनके मास दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंस। हमने लेक्चर नंबर 12 में इक्विवेलेंस निकालना सीख लिया था। हाँ, तो ये जो मास आएगी यानी कि कितना गैस निकला या कितनी मेटल डिपॉजिट होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंस। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? केमिकल इक्विवेलेंस के। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बढ़ा रहे होते हैं तो उस केस में मेटल का डिपोजिशन या गैस की लिब्रेशन दोनों की अमाउंट भी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। इसके लिए एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन क्या है? ये तभी पॉसिबल है जब हम सेम चार्ज दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोड्स को सप्लाई करते हैं। ध्यान रहे, कंडीशन क्या है? जब हम सेम चार्ज दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोड्स को सप्लाई करते हैं। मान लीजिए मेरे पास चार इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, चारों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में क्यों जोड़ा? सीरीज में जोड़ने का मतलब यह होता है कि जो भी चार्ज फर्स्ट को मिलेगा वही चार्ज सेकेंड को और वही चार्ज थर्ड और फोर्थ को भी। हाँ, ये चीज़ आप फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ लेंगे। वहाँ भी बताया जाता है जब हम किसी भी चीज़ को सीरीज में लगा देते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, तो उस केस में सेम चार्ज सभी को सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे सीरीज में इसलिए लगाया जाता है ताकि सेम चार्ज मिले। अगर हम ऐसे अरेंजमेंट बना दें इसका मतलब चारों इलेक्ट्रोड्स को सेम चार्ज मिल रहा होगा। एक बात, क्योंकि सेम चार्ज मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि फराडे का सेकेंड लॉ ये कहता है कि यहाँ पे जो भी मेटल का डिपोजिशन होगा या गैस का लिब्रेशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंस। ये हो गया। इसका एक और एक्सप्लेनेशन होता है। अगर आपको ये अच्छा लगता है आप ये लिख लेंगे, अगर आपको दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप दूसरा वाला लिख लेंगे। दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपको। आप पहले समझ लें फिर डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा बेहतर दिखता है। देखिए सेकंड क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में क्यों जुड़े होंगे? ताकि सेम चार्ज मिले। देन सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो एक दो तीन लगे हमारे पास कॉपर सिल्वर गोल्ड। मान लीजिए मेरे पास तीन प्लेट्स लगा के रखा हमने, तीनों में जितना भी ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा उनका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। यानी कि ये और भी ज़्यादा सिंपल हो गया। यानी कि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर आपने सेम चार्ज सप्लाई किया तो जो भी ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, डिपोजिशन होगी या लिब्रेशन होगी, उन सब के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस भी इक्वल ही आएंगे। यानी कि इसमें मानना कि कॉपर सिल्वर गोल्ड इन सब की सब ध्यान से देखेंगे तो कौन से हैं? सब आपको डी ब्लॉक मेटल्स मिलेंगे। यानी कि ये जो मेटल्स हैं ये खुद डिपॉजिट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पर सिल्वर और यहाँ पर गोल्ड, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कितना कॉपर, कितना सिल्वर और कितना गोल्ड डिपॉजिट हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप लिखेंगे कि अगर सेम चार्ज सप्लाई हुआ तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर एंड दैट विल बी आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ गोल्ड। यानी कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स कॉपर डिपॉजिट होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स सिल्वर और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स गोल्ड होगा। क्लियर है? ध्यान दें हम ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं, मोल्स की नहीं। मोल्स अलग अलग आ सकते हैं लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम आएगा। सही है? चले दूसरी चीज। अब देखिए अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला लिखे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो हम क्या लिखते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लिखते हैं ना, ठीक है। अब देखिए अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बढ़ रहा है तो बताइए मास ऑफ
डिपोजिशन ऑफ मेटल्स भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, डायरेक्टली रिलेटेड है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, देखिए ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर एंड दैट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ गोल्ड। ये है फैराडे सेकंड लॉ, यही कहता है अगर सेम चार्ज सप्लाई किया तो जितना यहाँ पे डिपॉजिट होगा उतने ग्राम इक्विवेलेंस यहाँ डिपॉजिट होगा और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस यहाँ भी डिपॉजिट होगा। तो हमने मान लिया इसके जी हैं, इसके भी जी और इसके भी जी हैं। तो बताइए ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, फॉर्मूला याद है। ऐसे ही सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। यहाँ क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ गोल्ड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि फैराडे के सेकेंड लॉ से ये भी कहा जा सकता है कि जो मास ऑफ डिपोजिशन या लिब्रेशन है या फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है वो उनके केमिकल इक्विवेलेंस के रेशियो में एक दूसरे के होते हैं। देखिए ये इसका रेशियो मास अपॉन इक्विवेलेंट, ये उसका रेशियो है। ये देखिए सिल्वर का मास अपॉन सिल्वर का इक्विवेलेंट मास, ये भी उनके केमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मास ऑफ डिपोजिशन है या मास ऑफ लिब्रेशन ऑफ गैस होगा डैट विल बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट्स। चले देखिए एक चीज और यहां पे साफ साफ लिखा है, इफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन चार्ज सप्लाइड विल बी सेम। अगर आपने सेल्स को क्या कर रखा है, सीरीज में जोड़ रखा है, तो इसका मतलब जितने भी सेल्स लगे होंगे सभी सेल्स को एक इक्वल अमाउंट की ही चार्ज सप्लाई हो रही होगी। आइए इसी चीज को अब हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड। यहाँ पे सबका डिपोजिशन होगा क्योंकि सब के सब क्या है, डी ब्लॉक मेटल्स है और ये खुद वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर एंड मास ऑफ गोल्ड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड। यही चीज का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्म में लिख लिया गया। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, द मास ऑफ द एलिमेंट्स डिपॉजिटेड, जो भी एलिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं उनके मास विल बी इन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास। हाँ वो क्या होते हैं, अपने इक्विवेलेंट मास के रेशियो में पाए जाते हैं। ऊपर अभी हमने देखा, देखिए मास ऑफ कॉपर अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ये जो मास है वो अपने ही इक्विवेलेंट के रेशियो के फॉर्म में पाया जाता है। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स डिपॉजिटेड विल बी इन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट देखिए, अब मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन ट्राई करेंगे और भी क्लैरिटी आ जाएगी। थ्री सेल्स कंटेनिंग जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, मेरे पास तीन सेल है, एक सेल में क्या है मेरे पास जिंक सल्फेट, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट और तीसरे में कॉपर सल्फेट, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में लिख दिया, इसका मतलब वो आपसे कहे या ना कहे आपको खुद से ये समझना होगा कि अगर वो सीरीज में एडेड हैं इसका मतलब उनको सेम चार्ज सप्लाई हो रही होगी और आप वहाँ पे आराम से फैराडे के सेकेंड लॉ को लगा सकते हैं। क्लियर है, चलिए दिया है, और स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड, उसमें 2 एम्पियर करंट पास कराया जाता है, स्टेडी का मतलब एकदम कांस्टेंट रख के, अंटिल 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिट। और ये 2 एम्पियर का जो करंट है वो तब तक वो उसमें प्रोवाइड कराया गया जब तक कि 1.08 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो जाता। यानी कि वो ये दे रहा है कि ये आप मान के चलेंगे कि मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना है, 1.08 ग्राम है,
दूसरी चीज अब पूछ रहा है हाउ मच टाइम डिड इट टेक, अब कितनी देर करंट को, 2 एम्पियर करंट को कितनी देर लगा होगा 1.08 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट कराने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने स्विच चालू किया 2 एम्पियर के करंट गया और 1 सेकेंड के अंदर ऐसा हो गया होगा, कुछ टाइम लगा होगा। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दैट टाइम। तो बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेट करना हमने बहुत पहले ही सीख रखा था। हाँ, एक फॉर्मूला आपने सीखा था ना, W इक्वल टू EIT अपॉन 96500, याद आया? हाँ, चले तो उसको लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या है, W इक्वल टू EIT अपॉन 9650। अभी अब देखिए मास ऑफ सिल्वर आपको पता है कितना, 1.08 ग्राम दिया है, कितना डिपॉजिट होना है। आप उसको क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा 108/100। ये देखिए इक्विवेलेंट मास किसका चाहिए हमें, यहाँ किसका लिखे थे सिल्वर का, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सिल्वर अपॉन एन फैक्टर। तो देखिए मास ऑफ सिल्वर तो 108 होता है, एन फैक्टर ऑफ सिल्वर, सिल्वर हमेशा Ag प्लस में एग्जिस्ट करेगा यानी कि 1, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। I करंट कितना फ्लो किया, 2 एम्पियर, टाइम हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 96500। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी 482.5 सेकेंड्स। अब आप इसके आगे कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। ये तो रहा टाइम, लेकिन इस पार्ट में एक और चीज़ हमसे पूछ ली गई है, देखिए क्या है, अल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। आपको ये भी बताना है कि कितना कॉपर और जिंक डिपॉजिट हुआ होगा, तो आइए देखते हैं। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे ई नहीं लिखी आप ना, ग्राम इक्विवेलेंस लीजिए पूरा, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ क्या क्या था, कॉपर जिंक, जिंक एंड ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर, क्योंकि सेम चार्ज सप्लाई हो रहा है, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंस सिल्वर के डिपॉजिट हुआ होगा उतने ग्राम इक्विवेलेंस जिंक के भी और कॉपर के भी डिपॉजिट हुए होंगे। तो फॉर्मूला बनाइए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, वैसे ही इसे बताएंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, ये क्या बनेगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, बात समझ में आ रही है। आइए वैल्यू रखते हैं, मास ऑफ सिल्वर आपको पता है 1.08 ग्राम, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर आपने अभी पीछे निकाला था कितना आया था 108, विल बी इक्वल टू मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक निकाल लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ठीक है, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन एन फैक्टर। तो देखिए जिंक का मोलर मास कितना होता है, आई थिंक 63.5 होता है, अपॉन एन फैक्टर जिंक का, जिंक जेरेन 2+ में एग्जिस्ट करता है यानी कि 2 हो जाएगा। इसी तरह आप क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, क्योंकि वो भी निकालना पड़ेगा, तो कॉपर का मास देखिए कितना होता है, 65 होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइए, कॉपर एंड जिंक, कॉपर 63.5 होता है और जिंक 65 होता है, जिंक सॉरी ये देखिए 65 होगा ना, इसका मोलर मास 65 होता है, कॉपर का 63.5 होगा अपॉन, कॉपर कैसे एग्जिस्ट करेगा, Cu2+, कॉपर सल्फेट बनाने के लिए कॉपर 2+ बना रहा होगा, यानी कि एन फैक्टर इसका भी कितना आएगा 2, हमें इनका इक्विवेलेंट मास मिल गया है, कितना है
एक का आया 65/2 और एक का आया 63.5/2। इन वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे हम, दिस विल बी जिंक 65/2, इसका अपॉन टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एंड दिस विल बी मास ऑफ कॉपर इनटू, नीचे हम क्या लिखेंगे 63.5/2, यानी कि इसका भी अपॉन टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये बन गया। अब क्योंकि हमें मास ऑफ जिंक और कॉपर निकालना है तो अब कुछ नहीं करना आपको, आप चाहें तो इसको केस बना लीजिए, आप लिख लेंगे केस ए। केस ए में आप इन चारों को एक साथ डील करिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, मास ऑफ जिंक हो जाएगा 65 × 1.08 अपॉन 2 × 1.08। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 लगा देंगे, डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, ये तो ये कैंसिल हो गया, और आप चाहें तो ठीक है 2 से इसको डिवाइड करिए, हो जाएगा 32.5। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.325 ग्राम्स। कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट केस बी बनाएंगे, केस बी में आप किसको लेंगे, आप इसको ले लीजिएगा और इसको ले लीजिएगा, और वहाँ से आपको मास ऑफ कॉपर मिल जाएगा, कर सकते हैं। देखिए मास ऑफ कॉपर जब आप निकालेंगे तो आई थिंक ये वैल्यू आएगी 0.3162 है ना, यानी कि 315, हाँ लगभग 0.315 के आसपास देखने को मिलेगी, आप आंसर चेक कर लीजिए। ओहो देखिए मास ऑफ कॉपर मिलेगा 0.3175 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से मास ऑफ जिंक निकाला गया होगा, दैट विल बी 0.325 ग्राम, कर सकते हैं। देखिए इन पूरे क्वेश्चंस में आपको समझना क्या था, पहला अगर आपके स्टेटमेंट में इन सीरीज दे दिया, किसी एक का मास दे के बाकी मेटल्स के डिपोजिशंस का या गैस के लिब्रेशंस का मास आपसे पूछा जा रहा है, तो बस कुछ ना करिए, आप सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ। फिर क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल है तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस को क्या बना लीजिए, हाँ उसको मास और इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दीजिए, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, सेम चीज करना है, बहुत ध्यान से करिएगा, आराम से हो जाएगा। ये देखिए आपका आंसर जो आएगा टाइम का, वो कुछ ना कुछ सेकेंड में आएगा, आप सेकेंड को कन्वर्ट करते हुए लेके आएंगे किस में, आवर्स और मिनट्स में, तब आपका आंसर मैच करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सीखने से पहले कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अब तक आपको एक चीज़ आइडिया अच्छे से लग गई होगी कि कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो सॉलिड कंडक्टर जो कि हमें बचपन से आइडिया होता है, दूसरा लिक्विड कंडक्टर जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, हाँ जो गुड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो आराम से करने देते हैं, एक तो ये था। दूसरा हमने कहा था आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का आइडेंटिफिकेशन उसके डिसोसिएशन से भी कर सकते हैं, यानी कि जब आप कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी कि वो अपने आयन्स में पूरी तरह से टूट जाता है, वो 100% आयनाइज हो जाता है, देन दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो पार्शियली आयनाइज होता है, यानी कि कुछ आयन्स कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ आयन्स कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, देन दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। खैर आगे देखते हैं,
कंडक्टर्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, पहला मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो कि सॉलिड फॉर्म में आते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, क्लियर है, जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला द कंडक्शन इज हियर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे घर पे वायर वगैरह होते हैं ना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, हाँ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है या कंडक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्या मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं। तो फिर वहाँ पे चार्ज कैसे सप्लाई होता है? इन द फॉर्म ऑफ आयंस। वहाँ पे ये काम फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना करके कौन करते हैं? आयंस करते हैं। इसीलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिसमें आयंस ढेर सारे होते हैं, यानी कम्प्लीटली आयनाइज होता है और ढेर सारे आयंस होते हैं, क्योंकि वहाँ ढेर सारे आयंस होते हैं इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं इसीलिए, हाँ इसीलिए उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। सो द कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी कि उसमें कितने आयंस हैं एक बात, दूसरी बात उन आयंस की मूवमेंट कैसी है। अगर मूवमेंट फास्ट है तो कंडक्शन अच्छा होगा, अगर मूवमेंट स्लो है तो जाहिर सी बात है कंडक्शन स्लो हो जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट, नो मैटर ट्रांसफर अकर्स, एक्चुअली इसमें कोई भी मैटर का पार्ट, मान लीजिए आपका वायर है ये वाला, ठीक है, तो यहां पे जो एटम्स हैं वो एटम्स यहां से चल के यहां नहीं जाते, वो एटम्स खुद यहां से चल के वहां नहीं जाते, वो क्या करते हैं चार्ज को पुश करते रहते हैं, यहाँ पे चार्ज है वो इसको पुश करेगा, वो इसको पुश करेगा और ऐसे करते करते वो आगे चला जाएगा। यानी कि दो बातें हो सकती हैं, अब मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं फर्स्ट सीट पे, हमने आपको एक नोटबुक दी जो कि लास्ट सीट पे देना था एक बच्चे को, आप दो तरीके का काम कर सकते हैं, पहला आप पीछे वाले सीट को ट्रांसफर करेंगे वो उसके पीछे करेगा और ऐसे बिना उठे लास्ट सीट तक वो कॉपी पहुँच सकती है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये भी हो सकता था कि आप अपनी सीट से उठते और वो कॉपी ले जाके डायरेक्ट क्लास सीट पे देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले केस में आप खुद यहाँ से वहाँ नहीं गए, सिर्फ सामान का ट्रांसफर हो रहा था। यस द सेम थिंग हैपेंस हियर इन द केस ऑफ मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। सॉलिड कंडक्टर में यही होता है, जो चार्ज है वो एक दूसरे के पुश आउट की वजह से ट्रांसफर होता है, ना कि वो खुद लेके जाते हैं, जबकि आयंस में ऐसा नहीं होता। हाँ तो आयंस में क्या होता है, आयंस खुद उन इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो बताइए यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है तो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो मैटर ट्रांसफर अकर्स, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नो केमिकल चेंज अकर्स, हाँ अब आप देखेंगे कि जब कॉपर से करंट पास कर रही होती है, कॉपर वायर ले लीजिए, आप कोई भी वायर एल्युमिनियम वायर ले लीजिए, आपने देखा होगा आपके घर पे हमेशा वायर है, आपने कभी देखा है कि वायर से जब करंट पास होती है तो वहाँ पे कोई गैस बनती हो, कोई नया कलर आता हो, कोई साउंड क्रिएट होता हो, कोई ऐसी एक्टिविटी जो किसी रिएक्शन की एक्टिविटी से मैच करती हो, कुछ आपने ऐसा नोटिस किया हो? या कभी आपने ऐसा नोटिस किया हो कि एक वायर से 4 घंटे करंट फ्लो कराने के बाद उसका कलर चेंज हो गया हो? ऐसा नहीं होता। हाँ एक दो बार आपने नोटिस किया होगा जब शॉर्ट सर्किट होती है तो खराब हो जाता है, तो वो अलग केस है। नॉर्मल केस में कभी ऐसा आपने देखा कुछ नहीं। इसका मतलब मेटेलिक कंडक्टर्स में या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, चेंजेस होते हैं बट दे आर नॉट केमिकल चेंजेस, जबकि यहाँ होता है। कैसे? हाँ आपने देखा था जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कई बार हाइड्रोजन गैस, कई बार ऑक्सीजन गैस, कई बार क्लोरीन गैस, कई बार मेटल डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी चेंजेस आपको देखते रहने को मिलती रहती है। बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं जबकि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। ये चीज़ तो आप 10th की फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं
तो आपकी केमिस्ट्री भी ये चीज को बताती है, आप ध्यान से समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए ये वायर है, वायर है इसका मतलब क्या हुआ, ये मैटर है, मैटर है इसका मतलब ढेर सारे एटम से बना होगा, सॉलिड है तो वो एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे के काफी पास पास होंगे होंगे ना। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही करंट का मूवमेंट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट चाहिए। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जा रहा सीधा सीधा इस केस में, अब क्या किया आपने इसको हीट कर दिया, जब आप हीट करेंगे तो बताइए ये जो एटम्स के पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं एटम्स, वो क्या हो रहे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घट जाएगी, हाँ वो तो और तेज बढ़ेगी। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनके बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब आप सोचिए कि आप नॉर्मल धीरे धीरे साइकिल चला रहे हैं मार्केट में, एक केस, दूसरा आप बहुत ही स्पीड से उसी मार्केट में गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, जब आप स्पीड से चलेंगे होता यही सेम चीज़। जब ये नॉर्मल कंडीशन में थे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे था तो भी कोलिजन्स हो रहे थे, बट वो कोलिजन्स के नंबर कम थे, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ता जाता है। तो उस केस में यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जल्दी पहुँचेगा जब कोलिजन्स ज़्यादा हो रही हैं, या तब जल्दी पहुँचेगा जब कोलिजन्स कम हो रही होंगी, जब कोलिजन्स कम हो रही होंगी तब वो जल्दी पहुँच जाएगा यहाँ पर। यानी कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके लिए रजिस्टेंस बढ़ती गई, हाँ जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टेंस बढ़ जाता है, जब बताइए रजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दिस इज वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, ये किसके लिए वैलिड है, मेटेलिक कंडक्टर्स के, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब वो कैसे, आइए देखते हैं। आपने अभी देखा कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें ये जो आयन्स हैं, आयन्स प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ढेर सारे आयन्स होते हैं, ये आयन्स ही चार्ज को कैरी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जब आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तो भी ये मूव कर रहे होंगे ना, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बताइए इनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी कि स्लो, हाँ इन जनरल आप कह सकते हैं कि 90% केसेस में हमेशा ये फास्ट होगी। जब इनका मूवमेंट फास्ट होगा तो उस केस में बताइए चार्जेस का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, फास्ट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट फास्ट हो गया, क्योंकि मूवमेंट फास्ट हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी भी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। एक ये चीज़ हो गई, आइए इसको और भी हम एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल वो तो इसलिए था ताकि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे फाइनली क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, क्लियर है। यहाँ देखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इंट्रैक्शंस। अब इंट्रैक्शन क्या है, दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए एक यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज, ये देखिए यहाँ दिख रहा है ना, इनके बीच कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब चार्ज को फ्लो करने के लिए इनको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, मान लीजिए ये माइनस वाला जो पार्टिकल है ये चार्ज को यहाँ तक लेके जाना चाहता है, ये इसको खींच रहा है, तो क्या ये अपनी फुल स्पीड से जा पा रहा होगा, नहीं। अब आपने क्या किया, इनको हीट करने लगा आपने यहाँ से, जब आप हीट करेंगे तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, हाँ वो घट जाएगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा तो बताइए इनका मूवमेंट तेज हो जाएगा या स्लो, तेज हो जाएगा। अगर तेज होता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चले आइए, परेशान मत होइए, इसके आगे इंट्रैक्शंस कैसे घटते हैं उसको भी हमने डील किया है, फिलहाल आप उसको उतना जानते रहिए। नेक्स्ट देखिए, दीज कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ, दीज कंडक्टर्स ऑल्सो फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, सबको याद भी हो गया होगा, याद भी है, हाँ तो ये ओम्स लॉ को दोनों ही फॉलो करते हैं, यानी कि दोनों ही केस में अगर आपको वोल्टेज और करंट पता है तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो आप करंट निकाल सकते हैं। ऐसे ही
करंट और रेजिस्टेंस पता है तो आप वोल्टेज निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ दोनों के लिए ही वैलिड है। क्लियर है? हाँ। आइए अब हम इंट्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं इनको भी देख लें। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स दे आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस। कितना? तीन टाइप के इंट्रैक्शंस हो सकते हैं। पहला सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस, दूसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, और तीसरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। अब देखिए सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन में मान लीजिए आपने NaCl को पानी में घोल दिया तो एक्वस फॉर्म में आपको क्या मिलेगा? Na+Cl- ऐसे ढेर सारे Na+ होंगे और ढेर सारे Cl-। अब बताइए Na+ और Cl- के बीच कैसा फोर्स काम कर रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, अब इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आके आपस में चिपक जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट कर ही रहे होंगे ना। अब जब आप हीट करते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो आयन्स हैं इनकी स्पीड बढ़ जाती है, इनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या होती है? बढ़ जाती है, और फिर वो चार्जेस को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर पाते हैं, और यही रीजन है कि कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर है? देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा देख लीजिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। अब ये कैसे इंट्रैक्शन होगा? देखिए मान लीजिए आपने Na+ चार्ज को कंसीडर किया, तो आपको पता है कि Na+ चार्ज के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब वाटर में आपने सॉल्ट को मिलाया तो जाहिर सी बात है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स Na+ और Cl- दोनों को ही घेर रहे होंगे। अगर हम किसी एक की बात कर लीजिए, मान लीजिए Na+ की या Cl- की, इसके चारों तरफ क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो कि इसको चारों तरफ से घेर रहे हैं, यानी कि इसका मूवमेंट फास्ट रहा होगा या स्लो? स्लो हो गया होगा। जब भी आपको 10 लोग घेर रहे होंगे तब आप दौड़ रहे हों, और जब आप नॉर्मल दौड़ रहे हो किस केस में आप फास्ट दौड़ेंगे? जब आपको घेरने वाले ना हो, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको घेर रहे हैं इसलिए इसकी स्पीड कम होगी। जब आप इसको हीट करने लगेंगे तो ये वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो सराउंड कर रहे हैं वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, यानी कि वो इसको घेरना बंद करेंगे, तो उस केस में Na+ की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये जो प्रोसेस होता है किसी चार्ज को जब वाटर के मॉलिक्यूल्स घेरने लगते हैं उसे हम हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेशन या हाइड्रेशन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। ये फिजिक्स में आप विस्कोसिटी पे पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ेंगे जब आपको विस्कोसिटी पढ़ाया जाता है। विस्कोसिटी में ये होता है कि जब बहुत सारे लिक्विड्स, आपने देखा होगा कुछ लिक्विड्स को आप फ्लोर पर डाले और तुरंत बहने लगते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे भी हैं जो फ्लोर पर जाने के बाद भी काफ़ी स्लो फ्लो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? यानी कि लिक्विड्स के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, रजिस्टेंस होता है। हाँ, यानी कि अब हमें ये बताइए, मेरे पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड है जो कि फास्ट फ्लो करती है, दूसरी लिक्विड है जो कि स्लो फ्लो करती है। आप बताइए किस केस में इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा? पहले वाले में इंट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए उनका मूवमेंट स्लो है। अगर मूवमेंट स्लो है तो बताइए इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी? जैसी बात है कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? डैट डिपेंड्स ऑन द मूवेबिलिटी ऑफ आयन्स। तो बताइए कौन से लिक्विड के केस में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जब फास्ट फ्लो कर रहा होगा या जब स्लो फ्लो कर रहा होगा? जब फास्ट फ्लो कर रहा होगा, यानी उनके बीच के इंट्रैक्शंस कम होंगे। और फास्ट फ्लो, आप मान लीजिए आपके पास कोई एक लिक्विड, जब आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया तो उसके बीच के इंट्रैक्शंस क्या हो जाएंगे? कम, और वो फास्ट फ्लो करेगी। जैसे फास्ट फ्लो करेगी मूवेबिलिटी ऑफ आयन्स बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी सेल टर्म्स। कंडक्टिविटी सीखने से पहले हमें बहुत सारे टर्म्स सीखना पड़ेगा। बहुत सारे टर्म्स आप पहले से जानते हैं, लेकिन वो सॉलिड कंडक्टर्स के लिए थे। अब हमें कुछ वैसे ही टर्म्स लिक्विड कंडक्टर्स के लिए भी डिफाइन करने होंगे। एक बार फिर से ये जो हम बताने जा रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा लेंदी है, आपको टाइम लग सकता है चीज़ों को समझने में,
हाँ, आपको टर्म्स का मतलब पता नहीं है क्योंकि आपने इससे पहले प्रैक्टिस नहीं किया है, कभी ये आपको पढ़ाया नहीं जाता, कभी ये होता भी नहीं है सिलेबस में, तो आपको टाइम लगेगा। तो आप बेफिक्र, अब तक जो आपने पढ़ा वो एक बार में काम चल जाता था, लेकिन इसको हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार में ना समझ में आए बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि ये है अलग, आपको इसको दो बार देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। खैर, कोशिश आप यही करेंगे कि एक बार में हो जाए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपके पास वीडियो होगी, आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। चलिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस आपको पता ही है, आर इजकल टू रो एल बाई ए, क्लास टेंथ में आपने पढ़ रखा होगा, आर इजकल टू रो एल बाई ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। जहाँ पे ये रो क्या होता है, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर एक नाम और आपने पढ़ा होगा, हाँ दैट इज रेजिस्टिविटी। और ये किसकी वजह से आता है, मटेरियल की वजह से, यानी कि जिस चीज़ से आप बना रहे होते हैं कंडक्टर को, उस मटेरियल की वजह से ये रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, दैट इज रो। एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, मान लीजिए मेरी ये वायर है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी ना, दैट इज एल। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये देखिए जो कंडक्टर है ये सर्कुलर होता है, तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर है इसकी जो एरिया होगी दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्लियर है। लेकिन जब हम इसी चीज़ को लिक्विड में बात करते हैं, यानी कि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा, वहाँ पे वायर तो होती ही नहीं है, तो फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर कहाँ से लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस कहाँ से लेंगे। हाँ, रेजिस्टिविटी तो हम कहीं ना कहीं से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होगी उसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी, तो ये तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये एल और ए कैसे मिलेगा, तो उसके लिए एक छोटा सा इंजम्पशन है, आप ध्यान से देखिएगा, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा होता है। देखिए मेरे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में मुझे दो इलेक्ट्रोड्स रखे गए हैं। अब तक हम जनरली क्या करते थे, इलेक्ट्रोड्स को ऐसे बना देते थे, ठीक है, इस बार हमने इलेक्ट्रोड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया प्लेट की वजह से, प्लेट के फॉर्म्स में। ये हो गया हमारा एक प्लेट और ये हो गया हमारा दूसरा प्लेट। अब इस केस में आपको देखना होता है कि L क्या है, लेंथ होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप, ध्यान रखिएगा लेंथ क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो लेंथ होता है द गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स आपको दिख रही हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के कितना गैप है, वही क्या देता है हमें, लेंथ L देगा। अब बात आती है फिर तो एरिया कहाँ से आएगा, बस अगर आपने लेंथ समझ लिया तो समझ लिया एरिया तो आराम से निकल जाएगा। देखिए ये जो प्लेट आपको दिख रही है, इस प्लेट की कुछ ना कुछ एरिया होगी ना, उसी एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही है, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होता है, क्या, देखिए जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम एरिया में सिर्फ वही स्पेस लेंगे जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स फील्ड है और वो उसके बीच में आता है, यानी कि इन दो प्लेट्स के बीच का जो एरिया है बस वो एरिया कंसीडर होगा। ये जो बाहर के एरिया है, ये देखिए ये एरिया भी आपको दिख रहा होगा, जो प्लेट्स के राइट साइड, लेफ्ट साइड और नीचे के साइड में है, ये एरिया आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया में कंसीडर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो एरिया आपको यहाँ पर दिख रही हैं ये एरिया यूजलेस है, इनका कोई यूज नहीं है। एरिया सिर्फ हम वो लेंगे जो कि दोनों प्लेट्स के बीच में होंगी, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, आप ऐसे कह सकते हैं ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, सिर्फ ये एरिया ही आपकी कंसीडर की जाती है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब मान लीजिए ये कंटेनर थोड़ा सा और बड़ा होता और ये पूरा भरा होता इलेक्ट्रोलाइट से, तो ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बना होता, दिख नहीं रहा है ना, रुक जाइए, ये मान लीजिए मेरा पूरा भरा हुआ था, तो उस केस में क्योंकि मेरी ये पूरा प्लेट ये डूबा होता,
मेरा डायग्राम ऐसा दिखता क्या? ध्यान से देखिए, ये आपको ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? इसके पीछे रीजन ये है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को यहीं तक इसमें फिल किया है, यानी कि ऊपर का ये हिस्सा आपने फिल नहीं किया था। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोड्स में फिल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो हम ऐसे फिल करते हैं कि पूरा इलेक्ट्रोड्स डूब जाए। अगर ये इसको यहाँ तक फिल करेंगे तो बताइए ये पूरा पॉइंट एरिया कंसिडर किया जाएगा कि नहीं कंसिडर किया जाएगा? किया जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये डायग्राम कुछ ऐसा देखने को मिलता है। समझ में आ गई? चलिए, नहीं भी समझ में आया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये हम कोशिश कर रहे हैं आपको विजुअलाइज कराने की कि सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। हो गई, अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, ये वाला साइड हमारा क्या है? एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल। ये वाला साइड क्या हमारा? कैथोड, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। और हमने यहाँ क्या लगा रखा है? बैटरी। क्लियर है? चलिए, L क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। A क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। यहाँ पे एक छोटा सा टर्म और है जो आपको जानते रहना है, हमेशा काम आएगा आपके। L बाई A, यानी कि जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर या द गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ये जो गैप है यही हमारा L है, और ये हमारा जो एरिया है वो A से रिप्रेजेंट किया गया है। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं हम? सेल कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू एक टाइप के इलेक्ट्रोड्स के लिए फिक्स होती है। अब मान लीजिए आपने कोई एक सेल बनाया, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड्स रख दिए, तो जिस गैप पे रखे हैं वो उसी गैप पे रहेगा या फिर हमेशा चेंज होता रहेगा? उसको हिलाते डुलाते रहेंगे? ऐसा तो करते नहीं है ना। कंपनी वाले एक बार बना के दे देते हैं तो वो तो जहाँ फिक्स किए रहते हैं वो वहीं पर रहता है। यानी कि ये जो लेंथ है, ये वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है? नहीं चेंज होती है। दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रोड्स उन्होंने बना के दी है उसकी एरिया भी तो उतनी ही रहेगी कि वो चेंज होगी? वो भी सेम रहेगी। तो क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों ही कांस्टेंट हैं, इसीलिए L बाई A को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? L बाई A को सेल कांस्टेंट कहते हैं, जहाँ पे L क्या हमारा? लेंथ, और A क्या हमारा? एरिया। देखिए, रो क्या हमारा? रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हाँ, रो क्या होता है? स्पेसिफिक रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी होता है, जहाँ पर L बाई A को हम क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, सो रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रो बाई चेंजिंग कंसंट्रेशन। अब देखिए, क्योंकि अभी आपने देखा ना, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये रिलेशन था। अभी आपने देखा तुरंत कि ये L बाई A क्या हमारा? सेल कांस्टेंट, यानी कि एक बार आपने सेल बना दिया तब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो फिर चेंज क्या हो सकता है? रो चेंज हो सकता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। रो क्या है? दिस इज द स्पेसिफिक रजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इस बार इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से बात कर रहे हैं ना। दिस इज द स्पेसिफिक रजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हम फील कर रहे हैं उसकी रजिस्टेंस पे हमारा टोटल रजिस्टेंस डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेंज करें, हाँ अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेंज करें तो उस केस में रजिस्टेंस भी बदल जाएगा। यही चीज लिखा हुआ है। सो रजिस्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन रो By changing concentration। अगर आप concentration भी बदल दें तो भी उसकी रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और क्योंकि रो बदल रहा है इसलिए रजिस्टेंस भी बदल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है? देखिए, कंडक्टेंस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस। कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस, यानी कि जैसे रेजिस्टेंस को हम R लिखते हैं, कंडक्टेंस को हम क्या लिखते हैं? G लिखते हैं ना। अब देखिए, ये तो हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या चाहता है? करंट इजली फ्लो हो या नहीं? नहीं। कंडक्टेंस क्या चाहता है? करंट इजली फ्लो हो या नहीं? हो। यानी कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे या फिर फेवर में?
जाहिर सी बात है अगेंस्ट, तो आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1/G, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 1/R। यानी कि जो कंडक्टेंस है, ध्यान रहे टर्म्स का सिग्निफिकेंस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और उसको ध्यान रखेंगे। कंडक्टेंस होगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, या जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। सो R इज इक्वल टू 1/G। अब रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता ही है क्या होता है, ओम। तो आप कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखे तो 1/R हो गया। अब 1 तो 1 ही रहेगा, R रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को अगर आप उल्टा करके लिखे तो एक नया सिंबल बनता है ऐसे। इस सिंबल को हम बोलते हैं मो। क्या बोलते हैं, मो। अब देखिए ओम कैसे लिखते हैं आप, OHM। जब आप इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा, MHO, मो। तो कंडक्टेंस की यूनिट मो भी हो सकती है, प्लस एक बहुत काम की यूनिट है जो कि आपको हमेशा वही यूज करने को मिलता है, दैट इज सीमेंस, कैपिटल S। यानी कि मो से ज़्यादा यूज आपको देखने को किसका मिलेगा, सीमेंस का। तो आप याद रखेंगे कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस। मो भी होता है वो तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, ओम का इन्वर्स मो होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमेंस का ज़्यादा यूज है। कर सकते हैं, चलिए। अब मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ की रेजिस्टेंस 2 ओम दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि बताइए उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, तो आप बोलेंगे जी इक्वल टू 1/R, यानी कि 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू 0.5। यूनिट बोलिए ओम इनवर्स या मो या फिर सीमेंस। तो हम तो सीमेंस लिखेंगे क्योंकि मुझे पता है आगे हमें सीमेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सीमेंस टर्म्स को ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए आज हम इतने ही रहने देते हैं क्योंकि तो नेक्स्ट बता दे, एक मिनट हम टाइम चेक कर ले कितना हुआ, दिस इज 57 मिनट्स अराउंड। ओके, तो आज हम इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, आगे के जो टर्म्स हैं हम उनको वहाँ सीखेंगे। Till that, thank you so much.